जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। मैं राशि, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए आलू का रोज़ाना का अपडेट छिबरामऊ मंडी व अदरवाइज खेतों से और यूपी के सभी जगहों से आलू का अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो इसी में एक खबर आती है कि 24 जनवरी 2024 को वेस्ट बंगाल में बारिश हुआ है, उससे कितना नुकसान हुआ है और बारिश का क्या पोजिशन है। देखो क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग नहीं होते हैं वहाँ की क्लियर और ताज़ा और सटीक रिपोर्ट ले पाना बड़ी मुश्किल की बात होती है। अलग फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को जो सटीक और क्लियर खबर है वो दे पाऊँ। तो वेस्ट बंगाल में कल 24 जनवरी को करीबन दोपहर 1-2 बजे से बारिश होना स्टार्ट हुआ था और करीबन वही रात के 8 बजे तक करीबन होता रहा। लेकिन होता किस तरीके से रहा, बहुत हल्का हल्का रिमझिम बारिश होता रहा। देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था, एक बार पहले बारिश हुआ था जिस टाइम आलू की बुआई हुई थी, मतलब बिल्कुल आलू की बुआई हो ही रही थी, मतलब ज़्यादा नहीं हो पाई थी, तब हुई थी। तो उसमें करीबन 40% का नुकसान बताया जा रहा था। उसके बाद एक दोबारा बारिश हुआ, दोबारा बारिश की बात करें तो दोबारा बारिश में जो है कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पर जैसे हम लोग उर्वरक वगैरह डाल देना, खाद वगैरह, उस लायक काम किया दोबारा वाली बारिश ने। आप लोग पहले ये वीडियो देख लो, तो उसने लगभग जो है उर्वरक जैसा काम किया, दवा जैसा काम किया। आप लोग पहले ये वीडियो देख लो जो मुझे कल के लिए भेजे गए थे और बताया गया था कल इतनी बारिश हुई है। लेकिन इस चीज़ से मैं बिल्कुल पुष्टि नहीं करता हूँ, जो वीडियो आप लोग इस समय देख रहे हो वो अभी के हैं, मेरे को इस चीज़ का क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब बरसात जो होती है ना उसका क्या होता है कि मतलब इतना ज़्यादा नहीं, बताने के मुताबिक ये जो स्थिति दिखाई दे रही है वो अभी की क्लियर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कल के लिए वीडियो जो है चैनल वालों ने भी कुछ यही दिखाया था और हमारे पास भी कुछ यही वीडियो आए हैं, तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना बार बार। तो ये वीडियो जो है वेस्ट बंगाल के कई जिलों से आए। वेस्ट बंगाल में इस बार क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर मतलब कि 10 साल का बच्चा है और पढ़ाई कर रहा हो, मतलब तैयारी कर रहा हो, तो आप लोग अभी इस चीज़ के लिए क्लियर नहीं कर सकते हो कि वो आगे चल के डॉक्टर बनेगा या डाकू बनेगा। मतलब अभी वेस्ट बंगाल की जो फसल है अभी तो सिर्फ कोई किसी की 30 दिन की है, किसी की 40 दिन की है, तो अभी इस चीज़ का आकलन नहीं लिया जा सकता है कि भाई फसल कैसी है। लेकिन हाँ, खबर है कि कुछ जगहों पर जो फसल थोड़ी बढ़ती, मतलब जिसका 45-50 दिन का हो गया है, उसमें लेट ब्लाइट आने का आशंका धीरे धीरे करके दिखाई देने लगा है। इतना मतलब कुछ भनक मिली है, बाकी भी ये चीज़ को मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ। और रही बारिश की बात, जो बारिश आज हुई थी, मतलब कल वहाँ पे 24 तारीख को, उससे कोई खास नुकसान नहीं है वेस्ट बंगाल के आलू की। तो आपने वेस्ट बंगाल में बारिश का हालचाल देखा, जो वेस्ट बंगाल में कल बारिश हुई है उससे हमारे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। बाकी आप लोग अगर वेस्ट बंगाल से इस वीडियो को देख रहे हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने वेस्ट बंगाल का हालचाल है जो दे सकते हो। आपको डिस्प्ले पे नंबर दिया गया होगा, उस पर आप हमें कॉल करके भी जानकारी दे सकते हो वेस्ट बंगाल की, कि वेस्ट बंगाल में आलू की ये स्थिति है। तो भाई क्या है कि अभी कोई खास नुकसान नहीं, और जल्द ही हम वेस्ट बंगाल के लिए जो है प्रस्थान करेंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे और वहाँ की क्लियर रिपोर्ट क्या है, हकीकत जानकारी क्या है, आप लोगों को आप ले के सामने रखने का फुल प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।